गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन लिखा गया है एक चतुर्भुज PQRS, एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए जिसमें QR बराबर 4.5 सेंटीमीटर, RS बराबर 5 सेंटीमीटर, PS बराबर 5.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण PR बराबर 5.5 सेंटीमीटर तथा दूसरा विकर्ण QS बराबर 7 सेंटीमीटर हो। ध्यान दिया दिया गया एक चतुर्भुज PQRS, ठीक है। सबसे पहले हम लिखे गया है प्रश्नानुसार अभीष्ट त्रिभुज के लिए, प्रश्नानुसार अभीष्ट चतुर्भुज के लिए, चतुर्भुज के लिए कृति कमा और अभीष्ट त्रिभुज अभीष्ट चतुर्भुज PQRS भारत, ठीक है। लिखे हैं प्रश्नानुसार अभीष्ट चतुर्भुज के लिए कची आकृति है, आप समझ गए हैं, और क अभीष्ट चतुर्भुज PQRS है, क्लियर है। आप देखिए क्या लिखा गया, ठीक है। अब इसे लिखेंगे रचना के चरण, ठीक है। अगर लिखा है रचना के चरण ध्यान दीजिए। यहाँ पे पहला शब्द लिखेंगे, ध्यान दीजिए पहले, यहाँ बनाया गया एक कच्चा चित्र, ठीक है। उसमें लिखा गया है कि एक चतुर्भुज PQRS रचना करना है, क्या जी PQRS चतुर्भुज है, ठीक है। इसमें आपको दिया है PQRS दिया है 4.5 सेंटीमीटर और RS दिया है 5 सेंटीमीटर, RS दिया है 5 सेंटीमीटर और PS दिया है 5.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण PR यानी क्या है जी PR दिया है 5.5 सेंटीमीटर तथा दूसरा विकर्ण QS यानी QS कितना है जी 7 सेंटीमीटर, कितना है जी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जानकारी आपको प्रश्न के माध्यम से दी गई है, ये कच्चा चित्र है, ठीक है। अब इसी के आधार पर ये डायग्राम बना है। अब इसका रचना क्रम हम लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्यूबर बराबर 4.5 सेंटीमीटर का ये रेखाखंड खींचा, क्या जी क्यूबर बराबर यहाँ लिखेंगे क्यूबर बराबर, ठीक है जी, ये रचना चरण है, लिखेंगे क्यूबर बराबर 4.5 सेंटीमीटर का ये रेखाखंड खींचा, यहाँ लिखेंगे क्यूबर बराबर क्यू आर बराबर 4.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा, क्या लिखा है जी, तो क्यू आर बराबर 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, क्लियर है। या बच्चे के पिता जी या पैर 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्या क्यू आर। फिर लिखा गया दूसरे शब्द में, दूसरे में लिखेंगे, यहाँ ध्यान दिया था कि वह कितना है जी 7.5 सेंटीमीटर है और ये क्या था आर एस कितना है, यहाँ लिखेंगे क्यू आर यानी क्यू आर बिंदु को केंद्र मानकर
क्या लिखेंगे यहाँ पे क्यू आर क्यू क्यू आर बिंदु को क्यू आर बिंदु को क्षेत्र मानकर को क्षेत्र मानकर क्यू आर बिंदु को केंद्र मानकर अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या ये क्यू आर बिंदु को हमने केंद्र माना है। केंद्र मानकर क्रमशः 7 सेंटीमीटर यानी 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का मानकर क्रमशः 7 सेंटीमीटर क्या है जी क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ठीक है 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का 7 सेंटीमीटर और ठीक है क्या है क्यूएस 7 सेंटीमीटर और आरएस 5 सेंटीमीटर का 5 सेंटीमीटर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या का चार त्रिज्या 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का लेंगे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चार त्रिज्या 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 का चार त्रिज्या चार त्रिज्या ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए लिखा गया है क्यू आर साढ़े 4 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचा गया है क्यू आर है क्लियर है उसमें लिखा गया है कि क्यू आर बिंदु को केंद्र मानकर क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचा गया है। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये चाप खींचा गया है यहाँ पे यानी क्या है जी क्यू और आर को माना गया ठीक है क्यू और आर को माना गया है केंद्र क्यू से यहाँ कटेगा ठीक है यहाँ खींचेंगे त्रिज्या ठीक है और आर का खींचेगा खींचेंगे यहाँ आर खींचेंगे यहाँ ठीक है यहाँ खींचेगा आर से क्लियर है क्यू से खींचा गया ये चार और आर से खींचा गया ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ स्टेप नंबर तीसरा देखते हैं तीसरा में क्या है इसको मिटा रहे हैं ठीक है देखते हैं तीसरा चरण इसका थर्ड नंबर थर्ड नंबर क्या आता ध्यान दीजिए थर्ड नंबर में लिखेंगे यानी क्यू को ठीक है क्यू को और आर को केंद्र मान करके हमने एक चाप खींचा है क्यू केंद्र मान करके और ये चाप खींचा है आर को केंद्र मान करके ठीक है क्लियर है ठीक है। आप चलिए बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ। अब यहाँ ध्यान दीजिए अगला स्टेप क्या कह रहा है इसमें लिखेंगे कि आर और एस यानी आर और एस आर और एस बिंदु को केंद्र मानकर यानी लिखेंगे आर और एस बिंदु को केंद्र मानकर आर और एस बिंदु को केंद्र मानकर केंद्र मानकर यानी आर और एस बिंदु को क्या गया केंद्र माना है केंद्र मानकर प्रत्येक बिंदु से 5.5 सेंटीमीटर यानी प्रत्येक बिंदु से 5.5 सेंटीमीटर प्रत्येक बिंदु से प्रत्येक बिंदु से 5.5 सेंटीमीटर यानी 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचा 5.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का
चार की चार चार की चार ठीक है। जो बिंदु अब यहां देखिए आर और एस को केंद्र मानकर पांच सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचा, जो बिंदु पी पर क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। जो बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करेगा देखेंगे, जो बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद जो बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करेगा, जो बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करेगा ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, लिखा गया है आर और एस बिंदु को केंद्र मानकर, यानी आर और एस बिंदु को केंद्र मानकर प्रत्येक बिंदु से साढ़े पांच सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप खींचा गया, यानी एक चाप खींचा तो यहां से ठीक है, इसमें कितना आ गया क्यू, ठीक है, चाप खींचा गया यहां से ठीक है, सॉरी ये बाहर आएगा, चाप खींचा गया यहां से क्लियर है। इसका क्या केंद्र, इसका केंद्र है क्यू, इसका केंद्र क्या है जी आर, वही लिखा गया कि प्रत्येक बिंदु से साढ़े पांच सेंटीमीटर का त्रिज्या लेकर के चार खींचा गया, जो बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है क्लियर है। ध्यान दीजिए जो दूसरा स्टेप था उसमें छूट गया था सब, जो लिखा गया था दूसरा स्टेप में जैसे कि क्यू यानी क्यू और आर बिंदु को केंद्र मानकर पांच सेंटीमीटर और सात सेंटीमीटर का चाप खींचा गया था, जो बिंदु एस पर प्रतिच्छेद करेगा ठीक है। जो दूसरा उसमें क्यू और आर को केंद्र मानकर यानी केंद्र मानकर पांच सेंटीमीटर और सात सेंटीमीटर चाप खींचा गया था, वो चाप बिंदु एस पर प्रतिच्छेद करेगा ठीक है। एक चरण में तो चरण का हो गया और लास्ट चरण इसका लास्ट से लिखेंगे चौथा चरण है इसका, नहीं लास्ट चरण है इसमें लिखेंगे, ध्यान दीजिए इसमें लिखेंगे क्या, तो यहाँ बिंदु क्यू को बिंदु एस से क्लियर है, और बिंदु आर को एस से कमा बिंदु आर को एस से ठीक है जी, आर को पी को आर को एस से और पी को एस से कमा पी को एस से पी को एस से यानी पी को एस से ये बिंदु ये रेखाखंड है पी को एस से और क्यू को पी से मिलाया और क्यू को पी से मिलाया यानी क्यू को पी से मिलाया क्लियर है, क्यू को इससे मिलाया अतः अभिष्ट चतुर्भुज PQRS की रचना की गई
रचना की गई, ठीक है, जो आपका सही आंसर होगा की गई, रचना की गई, क्लियर है। चौथा से क्या लिखा गया, बिंदु Q को बिंदु S से, बिंदु Q को बिंदु S से और बिंदु S, बिंदु R को बिंदु S से, बिंदु R को बिंदु S से और T को S से, यानी T को S से ये बिंदु है और Q को P से, Q को P से मिला, अतः अभीष्ट चतुर्भुज आपका PQRS प्राप्त हुआ, या रचना की गई, क्लियर है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.2 के तहत क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, इसका क्वेश्चन और ठीक है, 3 क्वेश्चन है, हम एक दो पढ़ लिए, 3, 4 और 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें से हम आप लोग बता रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, दो क्वेश्चन आप लोग दे रहे हैं हमारे के रूप में 3 और 4, ठीक है। फिर अगले वीडियो में क्वेश्चन 5 में बताएंगे, क्लियर है। तो आज के वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।